इस कहानी में 12 साल का लड़का बचपन में ही अपने ट्रू लव को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन अपने दोस्तों की वजह से वो बिगड़ जाता है और अपने से बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ संभोग करने की कोशिश करता है। वो संभोग करने में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। कहानी की शुरुआत 1955 से होती है, जहाँ पर हम 12 साल के हैरी को देखते हैं। हैरी एक थिएटर में बैठकर रोमांटिक मूवी देख रहा था। उस मूवी में एक प्रिंस लड़ाई खत्म होने के बाद अपनी प्रिंसेस के पास आता है और उसे शादी करता है। यहाँ पर हैरी उस प्रिंसेस की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो जाता है, जिसे देखकर हैरी भी मन बना लेता है वो भी किसी ऐसी ही लड़की को ढूंढकर उससे शादी करेगा। मूवी खत्म होने के बाद थिएटर से जब बाहर जाते समय वो उस मूवी का पोस्टर चोरी कर लेता है। घर जाने के बाद वो अपनी मॉम के साथ डिनर करता है और उससे पूछता है, आपने डैड के साथ शादी क्यों की थी? तब उसकी मॉम उसे बताती है, तुम्हारे डैड मेरे ब्रदर के दोस्त हैं और एक दिन उन्होंने मुझे प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दिया। इसके बाद शाम को हैरी अपने दोस्त स्टैन के पास जाता है, जो उम्र में थोड़ा बड़ा था। फिर वो हैरी को एक बिकनी पहनी हुई लड़की का पोस्टर दिखाता है। हैरी भी उसे उस मूवी का पोस्टर दिखाता है, लेकिन स्टैन को पोस्टर देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद स्टैन हैरी को संभोग करने के बारे में बताता है, जिसके बारे में हैरी को कुछ भी नहीं पता था। स्टैन उसे कहता है, बड़े होने के बाद ये काम सबको करने पड़ते हैं और तुम्हारे मॉम डैड ने भी ऐसा किया था। कुछ टाइम के बाद वो दोनों एक साथ कार्निवाल में जाते हैं। स्टैन हैरी से कहता है, यहाँ पर हमें तुम्हारे लिए कोई ना कोई लड़की जरूर मिल जाएगी। फिर स्टैन को एक जगह पर कैथी दिखाई देती है। स्टैन हैरी को कैथी के साथ राइड पर बैठने के लिए कहता है। कैथी हैरी के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन हैरी से रिस्पांस ना मिलने की वजह से वो उसके साथ कुछ भी नहीं करती। राइड खत्म होने के बाद स्टैन को पता चलता है हैरी ने कैथी के साथ कुछ भी नहीं किया। इसके बाद वो कार्निवाल में वुमेन फाइट देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर हैरी की मुलाकात एक ब्यूटीफुल वुमेन से होती है, जिसे देखकर स्टैन कहता है, ये वुमेन तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ फाइट देखने के लिए अंदर चली जाती है। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। फाइट देखते टाइम उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगता है। स्टैन और हैरी ये सब देख रहे थे। इस बार हैरी भी उस वुमेन को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। कुछ टाइम के बाद वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर चली जाती है। इसके बाद स्टैन हैरी से कहता है, आज तुझे संभोग प्रक्रिया दिखाता हूँ। वो वुमेन और उसका बॉयफ्रेंड पार्किंग एरिया में ही संभोग प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। स्टैन और हैरी छुपकर ये सब देख रहे थे, लेकिन तभी वहां पर उस लड़की का बेटा आ जाता है। फिर वो लड़की उस बेटे को अपने साथ लेकर वापस अपने घर चली जाती है। हैरी स्टैन को बताता है, उस लड़के का नाम थियो है और वो मेरा क्लासमेट है। स्टैन हैरी से कहता है, क्या तुम जानते हो तुम्हारा ये दोस्त कहाँ रहता है? अगली सुबह हैरी स्टैन को लेकर अपने क्लासमेट थियो के घर जाता है। इन दोनों के बैल बजाने पर कोई भी घर से बाहर नहीं आता। फिर ये डोर ओपन करके अंदर चले जाते हैं। थियो घर पर नहीं था, लेकिन उसकी मॉम नशे की हालत में सो रही थी। स्टैन हैरी को उसके पास जाने के लिए कहता है, वो नशे में है, तुम फिक्र मत करना, वो जल्दी नहीं उठेगी। हैरी उसके पास जाकर उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उस औरत की नींद खुल जाती है और स्टैन हैरी दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद स्टैन हैरी को 61-62 करने के बारे में बताता है। रात को हैरी उस प्रिंसेस का पोस्टर निकालकर 61-62 करने के मजे लेता है। इसके बाद 7 साल गुजर जाते हैं। फिर हम हैरी को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उसे एक स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उसके पूरे फेस पर एक्ने स्पॉट बन चुके थे। आज उसके स्कूल में ग्रेजुएशन डे था, लेकिन उससे पहले वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे कहता है, तुम्हें अभी और दवाई लेनी होगी। अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से वो स्कूल नहीं जाता, जिसके बाद उसका फ्रेंड बिल उसका डिप्लोमा लेकर उसके घर पर पहुंचता है। बिल हैरी से पूछता है, आज रात तुम स्कूल डांस में नहीं आ रहे हो? तब हैरी उसे कहता है, मैं ऐसी हालत में वहां पर नहीं जा सकता। बिल के लगातार फोर्स करने पर हैरी स्कूल डांस में उसके साथ चला जाता है, जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की लीजा बिल्कुल अकेली बैठी थी। बिल हैरी को लीजा के पास बात करने के लिए भेजता है, लेकिन हैरी से पहले एक और लड़का लीजा के पास आकर उसके साथ डांस करने लगता है। इसके बाद बिल हैरी को लेकर पार्किंग प्लेस पर चला जाता है। बिल की गाड़ी में उसकी दोस्त मरीना बैठी थी। बिल हैरी को बताता, मरीना एक चुदक्कड़ लड़की है और हम दोनों उसके साथ घपाघप करेंगे। हैरी कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मरीना मुझे एक्सेप्ट करेगी। इसके बाद बिल मरीना के पास जाता है और उसके साथ टपाटप करता है। इसके बाद जब हैरी की बारी आती है, तब मरीना उसकी स्किन प्रॉब्लम देखकर उसे रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद हैरी अपसेट होकर बाथरूम में चला जाता है और अपने पूरे फेस को टॉयलेट पेपर से कवर
बराबर करने लगता है और वापस आकर लीजा को डांस के लिए पूछता है। लीजा डांस के लिए मान जाती है। डांस खत्म होने के बाद लीजा वापस चली जाती है। इसके बाद बिल उसके पास आकर उसे बोलता है, आखिरकार तुम कामयाब हो ही गए। इसके बाद हैरी बिल से कहता है, लीजा ने तो मेरा फेस भी नहीं देखा, और वो अपसेट होकर वापस अपने घर आ जाता है। इसके बाद 14 साल गुजर जाते हैं और हम हैरी को एक क्लब में देखते हैं और अब वो काफी ओल्ड हो चुका था। इसके बाद उसकी मुलाकात अपने फ्रेंड बिल से होती है। हैरी की लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। कुछ टाइम के बाद ये दोनों दोस्त मिलकर बाहर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें घर के बाहर मुर्दा घर की गाड़ी दिखाई देती है, जो वहाँ पर एक डेड बॉडी लेने आई थी। वो दोनों नशे की हालत में उस डेड बॉडी को उठाकर एक सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाते हैं। हैरी जैसे ही उस डेड बॉडी से कपड़ा हटाता है, तब उसका फेस देखकर उसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडी एक खूबसूरत लड़की की थी, जैसी लड़की हैरी ने अपने बचपन में उस मूवी में देखी थी। इसके बाद हैरी उस लड़की को किस करता है और उसकी बॉडी के साथ संभोग भी करता है। बिल को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बिल हैरी से कहता है, अब हमें इस डेड बॉडी को जला देना चाहिए, नहीं तो पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी। लेकिन हैरी कहता है, इतनी सुंदर लड़की को हम नहीं जला सकते। इसके बाद हैरी बिल और उस डेड बॉडी को लेकर समुद्र के किनारे चला जाता है। हैरी का मानना था ये डेड बॉडी ही उसका ट्रू लव है। हैरी फिर उस डेड बॉडी को उठाकर समुद्र के बीच चला जाता है और वहीं पर हैरी की भी मौत हो जाती है। सुबह होने पर जब बिल को होश आता है, तब वो हर जगह हैरी को ढूंढने लगता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।